एपिसोड नंबर 6 पति विदेश गया है। मेरे पिया गए हैं रंगून, वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। बहुत बढ़िया नाच रही है लेकी भौजी। हाय राम, तो क्या आपने देख लिया हमारा डांस? कैसे है महाराज, आपको बोलना चाहिए ना कि आप आ गए हैं। का भौजी, आप भी करते हैं कि सीधे आ जाइए और अपना कैमरा लगा दिए। तो मैंने कैमरा लगा दिया। तो आपने कैमरा भी लगा दिया है, अब क्या होगा मेरा? मेरे मिस्टर भी देखेंगे तो मुझे कितना डांटेंगे। ऐसा बात नहीं है भौजी, भैया भी खुश होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई बंधु लोग, इनकी भौजी हसपुरा वाली का प्यार भरा नमस्कार। भाई लोग, आज हम आप लोगों से एक औरत का दर्द बताने आए हैं, किस हालात में वो अपने बच्चों के साथ जीती है, लेकिन हम उस औरत के हंसने बोलने पर रोक लगा देते हैं, उनके बारे में गलत समझते हैं। मेरे बगल वाले सोसाइटी में रेणुका रहती है, वो बहुत ही नेक दिल औरत है। मेरे मिस्टर से वो एक दिन मिली और कहने लगी कि मेरे सोसाइटी के लोग मुझ पर उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। वो कुछ लोगों से मिले तो पता चला कि जो आता है वो उसके चाचे का लड़का मनु है, जो हमारे मिस्टर मनु को जानते हैं। सोसाइटी वालों को उन्होंने झाड़ा, अगर एक औरत अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है, उससे कोई मिलने आता है और हंस बोल लेती है, तो क्या वो गलत है? आपको इस औरत का सम्मान करना चाहिए। अपने पति से 2 साल से जुदा होकर घर परिवार को संभाले हुए है। इनका पति विदेश में रहता है और पूरे घर को, सास ससुर को, एक माँ बाप दोनों बनकर इस घर की देखभाल कर रही है। और इसके बारे में आप लोग ऐसा सोचते हैं? पता है, जब एक औरत अपने पति से वर्षों दूर रहती है तो उसकी मनोदशा क्या होती है। मैं भी एक औरत हूँ और मैं उस रेणुका की हालात को समझती। तो भाई लोग, आप लोगों से विनती करती हूँ, ऐसे औरतों के बारे में गलत मत समझिए, उनका साथ दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, वादा कीजिए। आप लोग ऐसे औरतों के बारे में गलत नहीं समझेंगे, क्यों भाई? आज सही कहा भौजी। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ, पर आप लोग समझे तब ना। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी बात जरूर समझेंगे और रेणुका जैसी औरत पर कमेंट नहीं करेंगे, क्यों मिस्टर कैमरामैन? हाँ लेकी भौजी, आपका बतिया 16 आना समझ में आ गया। देखा आप लोगों ने, कैमरा वाले भैया जी को समझ में आ गया। भाई बंधु लोग, ये नेकी भौजी आप लोगों से अलविदा कहती है, लेकिन कल मैं फिर जरूर आऊं, क्योंकि आप लोगों से देवर भाभी का रिश्ता जो जुड़ गया है। नमस्कार।